प्रोग्राम नंबर 11 है हमारा, राइट एन एचटीएमएल प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल एंड ऑल्सो इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैक्स मीन ऑब्टेंड इस टाइप का हम लोग को एक क्या बना लेना है, टेबल बनाना है हम लोग को सिंपल से। ठीक है, तो इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग को टेबल बना लेना है, तो हम लोग देखते हैं इसको टेबल कैसे हम लोग बना सकते हैं और इमेज भी हमें यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट करना है। तो सिंपल सा टेबल है, टेबल यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग को इजी पड़े। न्यू फाइल पेस्ट किया यहाँ से, ये मैं हटा देता हूँ। बॉर्डर इक्वल टू वन और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम 11.html से सेव कर लेते हैं इसको। प्रोग्राम 11.html से सेव हो गया और यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, सिंपल सा टेबल है, कोई रो स्पैन कॉल स्पैन इसमें नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग चार tr लेंगे, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ चार बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने बनाने हैं, चार कॉलम्स हम लोग को यहाँ पे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ th/th और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, चार बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे मैक्स, यहाँ पे लिख लेंगे मेन और यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्टेन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड वाले टी आर में लिखेंगे टी डी टी डी और चार बार इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जावा और इस टी डी में लिखेंगे 100 और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 33 और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 75। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा को पूरा कॉपी करता हूँ और इस टी आर के जगह पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे मल्टीमीडिया। ठीक है, मैक्सिमम 100 और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 70। फिर उसके बाद थर्ड रो में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया थर्ड रो, यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे भी है 100 और यहाँ लास्ट में हम लोग 68 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट वाले में हम लोग आ जाते हैं, लास्ट में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ लिख लेंगे C++ और लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे 73। तो ये हमारा टेबल बन गया और यहाँ पे आके हम लोग प्रोग्राम नंबर 11 ओपन कर लेते हैं। तो ये टेबल हम लोग का बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इमेज ऐड करना है इसमें। इमेज हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इमेज टैग से। ठीक है, इमेज टैग हम लोग कैसे लगाएंगे, टेबल के बाहर में हम लोग लगाएंगे इमेज। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग आई एम जी लिखेंगे, एस आर सी इक्वल टू, मैं पाथ देता हूँ यहाँ, एच आई हाइट में दे देता हूँ 200 और विड्थ दे देते हैं इक्वल टू 200, या इसको कर देते हैं 250, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज ओपन करता हूँ, पिक्चर्स में हम लोग चले जाते हैं, सैम्पल पिक्चर्स में यहाँ पे हम लोगों को कुछ इमेज मिलेगा, और यहाँ पे एक लाइट हाउस नाम का एक इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो पाथ यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, ऊपर से कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग इस एस आर सी के डबल कोट्स में पेस्ट हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे लाइट हाउस डॉट जे पी जी, ये हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे रिफ्रेश, तो ये पेज हम लोग को यहाँ पे, सॉरी पेज में हम लोग को यहाँ पे इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेबल बनाया और हमने क्या बना लिया, एक इमेज भी इसमें इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम नंबर 11।